हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवे। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेक्ड वॉलेट के बारे में। गाइस, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन अच्छा सा प्लेटफॉर्म जिन्हें नहीं मिल पाता है, डेली का फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं यार। उन लोगों के लिए वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, लाइक अभी कर दो। चैनल पे अगर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन हो जाओ। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या करना है यार, आपको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, किसका वेट कर रहे हो? गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टेक्ड वॉलेट ये जो वेबसाइट है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो वॉलेट है ये न्यू जनरेशन वॉलेट है। क्यों? क्योंकि गाइस, सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है सेफ्टी को लेके आता है हर एक वॉलेट के साथ। तो भैया, जो गूगल आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, सेम ऑथेंटिकेशन आपको इस वॉलेट में मिल जाएगा। मतलब यहां पे टू स्टेप वेरिफिकेशन है जो कि गूगल आपको प्रोवाइड करता है। दूसरी जो चीज है, यहाँ पे ईमेल अलर्ट सिस्टम है। मतलब अगर कोई आपकी आईडी को, इस वॉलेट को किसी और पीसी या मोबाइल से लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा ईमेल के थ्रू। तो अगर आप वहां पे डिनाई कर देते हो तो सामने वाला बंदा साइन आउट हो जाएगा और वो कभी भी वापस लॉगिन नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी के मामले में भैया एक ही नंबर की वेबसाइट है। दूसरे बारे में बात करते हैं रिटर्न की। तो भैया यहां पे आप देख सकते हैं, गेट अप टू 1.5% डेली ऑन योर क्रिप्टो बेसिस। यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हो यहां पे, तो स्टोर एंड अर्न वाला सिस्टम है, वो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे मैं समझाने वाला हूं क्या। लेकिन यहां पे आपको मिल जाता है डेली अप टू 1.5% रिटर्न। यार यहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए भैया, यहां पे क्या होता है ना, डेली आपको 0.2% फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 1.5% डेली मिलेगा। 1.5% तक आपको डेली मिल सकता है, लेकिन इनका जो फिक्स रिटर्न है वो है 0.2% डेली रिटर्न। ठीक है गाइज, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लॉट्स ऑफ वॉलेट जिनको मैंने छोड़ के सिर्फ इस वॉलेट का रिव्यू किया, उसके पीछे कुछ यूनिकनेस है, कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक तो सेफ्टी जो कंसर्न रहती है, तो सेफ्टी के मामले में काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात करते हैं, यहां पे आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बहुत इजी वे में। यूजर इंटरैक्टिव इंटरफेस है, फास्ट एंड इजी एक्सचेंज ये आपको प्रोवाइड करता है। बिटकॉइन, लाइटकॉइन और एक्सआरपी जैसे, बिटकॉइन एक्सआरपी जैसे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईजी इंटरफेस है, फास्ट एक्सचेंज है जो मुझे इसका काफी अच्छा लगा। स्टोर एंड अर्न की जो फैसिलिटी है वो ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, माफी चाहूंगा, यहाँ पे आपको कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया। लॉट्स ऑफ पीपल जो क्या चाहते हैं ना कि पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ दो, जैसे ही प्राइस रेज होंगे तो उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। यहाँ पे आपको करना क्या है, पैसा डालना है, वेट करना है स्टोर करके, और जब आपके जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं तो इसका प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। तो ये स्टोर एंड अर्न के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड वेरिफिकेशन की। तो भैया, सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है आपकी, नो ट्रांजेक्शन फी। मोबाइल ऐप इसका अवेलेबल है, इजी इंटरफेस के लिए, यूजर इंटरैक्टिव वे इन्होंने तैयार किया है। दूसरी, सिक्योरिटी के कंसर्न में एक नंबर एप्लीकेशन है, और सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे यहाँ पे होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। यार डिजिटल मार्केट में ना काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही है, और ये एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं काफ़ी हमें। आने वाले टाइम में हर एक चीज़ ईजी होने वाली है, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म इजी होने वाला है, लेकिन स्टेक्ड वॉलेट ने क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन काफ़ी इजी कर दिया। इससे पहले भी होता था लेकिन इतना इजी नहीं था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की बात करते हैं, तो एक्सचेंज जब आप करते हो तो फीसेज एकदम लो है और एवरीथिंग इंस्टेंटली होता है। तो भैया यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े हैं स्टेक्ड के बारे में। तो यहाँ पे जो इंस्टेंट जो एवरीथिंग की बात की है ना, कि डिपॉजिट और विड्रॉ बिल्कुल इंस्टेंट होता है यहाँ पे, लाइक ऑलमोस्ट काफ़ी फ्यू मिनट्स में आपका जो है डिपॉजिट और जो है विड्रॉ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में एक मोबाइल का इंटरफेस भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है चेक कर पा रहे होंगे किस तरीके से ये जो है काम करता है। अब बात करते हैं भैया, यहाँ पे नंबर वन वॉलेट इसको क्यों कहा गया है। नंबर वन वॉलेट इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड इनके 5 लाख से भी ज़्यादा क्लाइंट हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि है। और अब बात करते हैं इसके मोबाइल एप्लीकेशन की। तो भैया, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। दूसरी बात करें एप्पल ऐप स्टोर, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। अगर कोई एप्लीकेशन या कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी एक ऐसा जो वेबसाइट है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाता है आपको, यानी कोई प्रोडक्ट आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल रहा है, कोई एप्लीकेशन मिल रही है, तो इसका मतलब उसकी सिक्योरिटी से लेन देन, सिक्योरिटी से रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहेगा। नहीं रहना चाहिए, अगर है भी रहा है तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर गूगल प्ले स्टोर पे है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर
एप्पल ऐप स्टोर पे अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब है कि सिक्योर तो बहुत है भैया। यहाँ पे देखो नीचे आपको एपीके का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप एपीके भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनके सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे जो आपको देखोगे अबाउट और प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी मुझे बात जो लगी है, इनको गूगल प्ले स्टोर पे 4.1 की रेटिंग मिली है, और एंड्रॉयड इस पे माफी चाहूंगा ऐप स्टोर पे इसको मिली है 5 की, यानी 4.8 की जो रेटिंग है इसे मिली है। इसका मतलब काफी अच्छा जो वॉलेट है ये और सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है। तो भैया आपको मैंने क्या क्या चीजें अभी बता दी हैं, सेफ्टी से रिगार्डिंग जो कंसर्न है वो आपको यहां पे करने की कोई जरूरत नहीं है। 0.2% का डेली यहां पे आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, फास्ट एंड ईजी एक्सचेंज यहां पे है, और ब्यूटीफुल एंड गुड यूजिबिलिटी यानी कि गुड इंटरेक्टिव इंटरफेस यहां पर आपको मिल जाता है। ब्यूटीफुल तो है ही डेफिनेटली यार, आप देख पा रहे होंगे। दूसरी जो चीज है मोबाइल ऐप इसमें काफी ज्यादा है, यूज करने में काफी ईजी है, और इसका जो बाउंड्री प्रोग्राम है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पार्टनर्स प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं, और किस तरीके से एफिलिएट के जरिए आप यहां पे पैसा कमा सकते हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम इसके साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड में मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया तो देखिए क्या लगता है, यहां पे आपकी ईमेल देना पड़ता है यहां पे, और ईमेल देने के बाद यहां पे आपको जो पासवर्ड है क्रिएट पासवर्ड रखना है, कंफर्म पासवर्ड रखना है, और यहां पे जो है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको टिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। नो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, वॉलेट बनाने के लिए आपको कोई भी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको लॉग इन करके दिखा देता हूं। सो गाइज अभी आप देखेंगे मैंने लॉग इन कर लिया है स्टेक वॉलेट के अंदर, हेलो टेक्निकल अभी, और कुछ यहाँ पे सिनेरियोज आपको दिख रहे हैं। तो किस तरीके से काम आते हैं सिनेरियोज, कैसे आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनके पार्टनर प्रोग्राम की। तो अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो इनके तो करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए यहां पे पार्टनर्स पे आपको क्लिक करना है। पार्टनर्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपका रेफरल लिंक मिल जाएगा। क्या करना है आपको, ये रेफरल लिंक आपको अगर आप किसी को भी देते हो तो नेक्स्ट जो पर्सन है इसे डाउनलोड करता है और या फिर ये यूज करता है स्टेक वॉलेट, साइन अप कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन करता है, तो 50% भैया आपको मिलने वाला है। अगर सामने वाला बंदा जो है पर डे प्रॉफिट कर रहा है 0.2% का, तो आपको 0.1% सीधा मिलेगा आपके अकाउंट में, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने 10 बंदों को रजिस्टर कर दिया, 10 बंदों को ये भेज दिया, फिर 10 बंदों ने रजिस्टर करके इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, पर डे 0.1% का प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है, यानी कि पर डे 0.10 का मिल जाएगा उसके बाद। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी, तो मैंने आपको बताया। अब बाउंटी प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, तो भैया ये जो चीज़ है नेक्स्ट लेवल मिलेगी आपको। देखिए अब हर कोई एप्लीकेशन या हर कोई प्लेटफॉर्म अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो कुछ ना कुछ जो है अब यहाँ पे देखो, अगर आप वेरीफाई करते हो तो आपको ये जो है करेंसी मिल जाती है 10, और अगर आप ऐप यूजर हो तो आपको इतनी मिल जाएगी, अगर आपका फ्रेंड को आप करोगे तो इतनी मिल जाएगी। कुछ कंडीशन हैं जो आपको धीरे धीरे करके कंप्लीट करनी होगी, अगर आप वीडियो बना के सेंड करते हो तो इतना मिल जाएगा। तो ये देखो अगर आप करते रहते हो ना तो आपको आपको जो है आपका जो पॉइंट्स है वो ऐड होता रहेगा, और ये जो पॉइंट्स है आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसका जो डेली परसेंटेज है वो आप ले सकते हो। स्टैटिक्स आप यहाँ से चेंज चेक कर सकते हो। डिपॉजिट, डिपॉजिट पे जाने के लिए देखो यहां पे गए, अब आपको बिटकॉइन, जैसे कि आपको ये काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आपको बिटकॉइन परचेस करना है तो 0.002 यानी लगभग लगभग 15,000 रुपए होता है इंडियन करेंसी में। अगर आपको ये करना है तो एड फंड पे आपको क्लिक करना है। एड फंड पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे ये आपका जो है BTC एड्रेस हो गया, आपको क्या है ना ये BTC एड्रेस हो गया, इस पे आपको जो है पेमेंट सेंड करना है। तो आई हैव सेंड द पेमेंट, आपको क्या करना है यहाँ BTC एड्रेस पे इस पे पेमेंट सेंड करनी है, और सेंड करने के बाद इस पे क्लिक करना है कि मैंने यह जो पेमेंट है वो सेंड कर दी है। ये देखिए एक्टिव बैलेंस अब आपका इतना हो गया, लेकिन ये एक्टिव बैलेंस सिर्फ दिख रहा है, हुआ नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो है ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ेगा पहले, उससे पहले उससे बाद ही हो पाएगा। ठीक है, तो अब जो है स्टैटिक्स पे आ गए, तो स्टैटिक्स पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओवरव्यू पे आते हैं तो ओवरव्यू पे आप सारी करेंसीज का हाल देख सकते हैं, अभी क्या चल रहा है एक्सचेंज और सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे डेली प्रॉफिट और सारी चीज़ें। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई भी रिगार्डिंग अगर डाउट रहते हैं इस पर्टिकुलर स्टेक्ड वॉलेट से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर बात फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछना यार, #technical अभी कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर आप ओल्ड यूजर हो तो आपको पता ही होगा, न्यू यूजर हो तो बताना चाहूंगा हर एक कमेंट से पहले #technical अभी जरूर लिखना, ताकि आपकी आवाज डायरेक्टली मेरे तक पहुंचे। गाइज उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपने कर दिया होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए होंगे, और अगर फर्स्ट टाइम हो चैनल पे तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू दिस वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।